Hello dear student, today we will discuss nomenclature system. A system in which we give any scientific name to any organism, as I said, to be a method of नेमिंग. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के नाम रखने की जो मेथड है, सेट टू बी अ नोमेनक्लेचर सिस्टम. नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ नेमिंग, आइदर वर्नेकुलर सिस्टम ऑफ नेमिंग, in this system name of any organism varies from place to place. इसका मतलब ये है कि इस तरह के नाम जो होते हैं वो जगह बदलने पर वो नाम में भी बदलाव आ जाते हैं, इसलिए ये जो नाम है आर नॉट यूनिवर्सल. इस प्रकार के जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं माने जाते. दूसरे जो नाम या नॉमिकल सिस्टम है, दे आर सेड टू बी अ साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, जिसको कि यूनिवर्सल कहा जाता है. उनके एक रूल्स के तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं. साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम में एक सिस्टम है बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. बायोनोमियल टर्म से लगता है कि इसके अंदर जो नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, विच इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इसके अंदर दो वर्ड्स होंगे. सेकंड इज ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, विच इज कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स, said to be trinomial, and another one is a polynomial system of naming, means consist of many words. इस प्रकार के जो biological नाम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे words होते हैं. जो binomial में two words हैं, which includes, first is जेनेरिक या फिर जीनस का नाम, एंड सेकेंड वन इज स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट. टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक नेम. एंड इन ट्राइनोमियल थ्री वर्ड्स आर जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम, and third one is either subspecies ya fir or variety name. In dono mein se koi ek. Subspecies jo term hai use ki jati hain for animals, there is variety term used in botany for plants. In polynomials, जैसा कि नाम से लग रहा है, poly means many, कि इसमें बहुत सारे words होते हैं, इसलिए ये इस तरह की जो naming system है वो आजकल इसको relevant नहीं माना जा रहा है.
क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो नाम जो हैं काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, जो कि याद रखने में मुश्किल होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि द पॉलीनोमियल सिस्टम यूज्ड बिफोर 1750 से पहले इस तरह के जो पॉलीनोमियल सिस्टम जो है वैलिड माना जा रहे थे, लेकिन अब इसको नहीं माना जा रहा है। जो कि ट्राइनोमियल सिस्टम है ये भी लेंथी रहता है, इसको भी अभी कम एक्सेप्टेड किया जाता है। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग गिवन बाय साइंटिस्ट स्ट्रिकलैंड एंड हग्जले, इनके द्वारा ये ट्राइनोमियल सिस्टम प्रोवाइड किया गया था, उसको भी अभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ बायनोमियल नेमिंग सिस्टम इज अ बायनोमियल नेमिंग सिस्टम, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं आज के टाइम में, विच इज़ गिवन बाई कैरोलस लीनियस। और आज अपन इसी को आगे डिस्कस करते हैं, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर।